हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आपका दोस्त जितेंद्र ओझा आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर है। एक कहानी आपके साथ लिख के आए हैं, शायद आपको अच्छा लगे। तो चलिए बिना देरी किए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो पंडित जी थे, उनकी वाइफ थी और वो लोग एक नेवला पोस के रखे हुए थे। पंडित जी की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी और नेवला जो पोस कर रखे थे वो भी प्रेग्नेंट थी, दोनों। उसके बाद कुछ दिन के बाद दोनों को बच्चा हुआ। पंडित जी को लड़का हुआ और नेवला का भी लड़का हुआ। नेवला जो बच्चा देके वो मर गए। तो पंडित जी की वाइफ थी वो भी नेवला को अपने बच्चे की तरह मानती थी और उसको मान दुलार करके उसको भी परवरिश कर रही थी। दोनों बच्चा लोग अच्छा सा परवरिश हो रहा था। तो एक दिन की बात है कि पंडित जी घर में थे और उनकी वाइफ पानी भरने के लिए बाहर गई हुई थी। तो अचानक राजा के मंत्री सब आया, सिपाही लोग आया, बोला कि राजा आपको पंडित जी को के पास आके बोले, राजा आपको बुलाए हैं, यह करना है, उसके लिए आपको राजमहल शीघ्र चलना पड़ेगा। पंडित जी अकेले थे घर में, उनकी वाइफ गए हुए थे पानी लाने। तो पंडित जी पैसे के लालच में वो चले गए और नेवला को बोल के गए कि तुम अपने भाई की रखवाली करना। तो नेवला बोला ठीक है, अपने भाई की रखवाली करेंगे। उसके बाद नेवला सांप से अपने भाई को रखवाली करने लगा। अचानक कहीं से एक सांप, जहरीला सांप उसके पास आ गया, उसके भाई के पास। नेवला देखा सांप को, ऊपर दोनों के ऊपर लड़ाई होने लगा, नेवला और सांप के बीच में लड़ाई होने लगा। नेवला ताकतवर निकला और सांप को टुकड़ी टुकड़ी करके मार दिया। उसके बाद सोचा क्यों ना सांप से हम द्वार पर बैठे कि मेरी मम्मी आके हमको आके बधाई देगी कि हाँ अच्छा काम किया है। तो उसके मुंह में खून होने लगा था, वो जाके सामने द्वार पर बैठ गया। उनकी वाइफ, पंडित जी की वाइफ पानी भर के आ रही थी। पंडित जी की वाइफ पानी भर के आ रही थी, देखी कि नेवला का मुंह में खून लगा है। तो पंडित जी की वाइफ बोली कि तुम अपना जात दिखा दिए और कुछ सोची समझी नहीं हो, और नेवला के शरीर के ऊपर पूरा वो जितना पानी ली हुई थी वो पूरा सहित गिरा दी। नेवला वहीं बेचारा मर गया। उसके बाद वो दौड़ी हुई घर में गई और बच्चे की तरफ गई तो बच्चा सो रहा था और उसके सामने अथी सांप के टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो जिससे खून लग रहा था। वो जाके वहाँ पे देख के अपने बच्चा को नेवला के सामने आकर रोने लगी, बोले ये हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। तब तक पंडित जी भी आए और वो बोले कि, तो पंडित जी आए तो उनकी वाइफ बोले कि हम बिना सोचे समझे हमसे एक बहुत बड़ा गलती हो गया, हम सोचे समझे नहीं और जो पानी से भरा उसके मुंह में खून देख के हम डर गए और उसको पूरा पानी से का भरा घैला उसके शरीर पे मार दिया जिससे वो मर गया। तो पंडित जी बोले कि अब पछताने से क्या फ़ायदा, जो गलती हो गया उसको पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिन सोचे समझे अगर अपने आंखें देखा, अगर कुछ भी नहीं देख रहे हैं तो किसी का बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अचानक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बाद में हम लोग को पछताने के सिवा और कुछ नहीं होता है। तो अगर कहानी अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा।